हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट जो मैंने वीडियो डाली थी वो इंजन के पार्ट्स हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। इंजन के जो तीन पार्ट्स जो हमने जिसमें जिसकी हमने ड्राइंग बनानी है, एक थी पिस्टन, कनेक्टिंग रोड और क्रैंकशाफ्ट। पिस्टन हमने बना ली थी, फिर अब हमने बनानी है कनेक्टिंग रोड। कनेक्टिंग रोड मतलब नेम से क्लियर है, कनेक्ट करना। पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को कौन कनेक्ट करता है? कनेक्टिंग रोड। क्लियर है? एक एंड पिस्टन के साथ अटैच होगा, दूसरा कनेक्टिंग रोड का एंड होगा क्रैंक के साथ। क्लियर है? एक एंड स्मॉल होगा जो पिस्टन के साथ अटैच होगा, दूसरा जो एंड होगा कनेक्टिंग रोड का वो थोड़ा सा लार्जर इन साइज होता है। क्लियर है? तो आज हमने इसकी असेंबली ड्राइंग बनानी है। पहले इस फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पार्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है? तो ये हमारी कनेक्टिंग रोड है, ये स्मॉलर एंड है और ये बिगर एंड है, ये स्मॉलर एंड है। ये फ्रंट व्यू है इसकी, इसी का टॉप व्यू ये है। क्लियर है? अब जो बिगर एंड है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। वो क्यों है? क्योंकि इसको क्रैंक के साथ जोड़ना है तो इजीली असेंबल और डिसअसेंबल हो जाए, तो इसको जनरली स्प्लिट पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इसको जोड़ना, अब दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो नेचुरली इसको अटैच करने के लिए नट एंड बोल्ट चाहिए। नट्स हैं दो, बोल्ट एंड नट है। बोल्ट विद कास्टल नट टू, क्वांटिटी कितनी है? टू। फिर उसके बाद है ये सेट स्क्रू, स्मॉलर एंड को यहाँ से टाइट करने के लिए स्क्रू लगाएंगे। क्लियर है? जैसे यहाँ दिखाया ये स्क्रू है। बिगर एंड को जोड़ने के लिए दो नट है, गिवन है। क्लियर है? ये हमारे पास व्यू दिखाया हुआ। अभी यहाँ से अगर काटूंगा, जैसे पेंसिल को यहाँ से काटा तो टॉप से देखूंगा कैसे दिखाई देगी, गोल। इसी तरह कहता अगर यहाँ से काटूं मेरे को ये जो मटेरियल की शेप किस तरह दिखेगी, आई शेप। इसी तरह यहाँ से काटूंगा तो उसका डायमेंशन गिवन है। क्लियर है? तो अभी हम बनाएंगे इसकी असेंबली। क्लियर है? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट व्यू स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। फ्रंट व्यू में सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो स्मॉलर और बिगर एंड में जो सेंटर है ये दोनों का मैं सेंटर लाइन ले लूंगा। दोनों में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 147, वो मैं ले रहा हूँ 147। क्लियर है? 147। डिस्टेंस बिटवीन स्मॉलर एंड बिगर एंड, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, सेंटर लाइन लगा रहा हूं मैं। क्लियर है? सेंटर ले लिया था हमने दोनों का। फिर मैंने क्या कर लिया, ये अंदर वाले सर्कल लगाइए। ये वाला सर्कल था गिवन है हमें 18 का, यहां भी चेक कर सकते हो और नहीं तो यहां से इधर डिटेल में डिमेंशन गिवन है, डिटेल में भी आप चेक कर सकते हो। छोटा सर्कल कितने का, 18। जो बड़े वाला है वो कितने का, 24 का। दो मैंने सर्कल लगा लिए 18 और 24 के, मतलब डायमीटर 18 और 24 है, हाफ का सर्कल 9 और 12 का कोलन। इसी तरह यहाँ सर्कल, तीन सर्कल लगाए। सबसे पहले डार्क वो हमें गिवन था 30 का, मतलब 15 की कंपास खोलनी। फिर डॉटेड सर्कल लगाया वो हमें गिवन था 34। फिर थर्ड वाला ये सर्कल लगाया, इसकी डिमेंशन गिवन नहीं है। मैंने देखा इसका 34 है और उसके बाहर वाले की डिमेंशन है 42, तो गिवन नहीं है, तो मैंने इन बिटवीन 38 ले लिया। क्लियर है? तो अगर नहीं गिवन है तो अपनी तरफ से ज्यूम कर सकते हो, ये क्वेश्चन में भी स्पेशल मेंशन होता है। क्लियर है? अब ये नेक्स्ट, मैंने पहले हमने तीन सर्कल लगाए थे डार्क डॉटेड और डार्क। फिर उसके बाद थर्ड सर्कल जिसकी डिमेंशन कितनी गिवन है हमारे पास, 21। क्लियर है? अब इस जो सर्कल्स के दो सेंटर है, एक तो जो मेन सेंटर है जहां से हम सर्कल लगा रहे हैं, कहता है जो दूसरा ये आउटर वाला जो हाफ सर्कल है ये वाला, इसका जो सेंटर है मेन सेंटर से 3 mm इस साइड पे, जहां से यहां से 3 mm का कितना
रेडियस गिवन है 21, यहाँ से 3 mm छोड़ के पॉइंट लगा के सेंटर लगा लेना 3 mm, ये आ जाएगा, क्लियर है। फिर मैंने ये वाला पोर्शन बनाया, अब ये कैसे बनाया, टोटल विड्थ कितनी गिवन है 60, 30 इस साइड पे 30 इस साइड पे विड्थ ले लेनी है, मीन्स ये लाइन आ जाएगी, क्लियर है। अब सेंटर से स्टार्ट करना है 2, सेंटर 1 mm इधर 1 mm इधर, ये मैंने 2 का गैप ले लिया, क्लियर है। अब कहाँ तक लेना वो मैंने बता ही दिया, 30 चौड़ाई है इसकी, क्लियर है। ये लाइन लगा लेनी है जिसको टच कर रही है सर्कल को, थर्ड वाले सर्कल को टच कर रही है, वो मैंने टच करा दिया, क्लियर है। फिर आगे बढ़ना है कितना, 3 mm, 3 mm टच किसको कराना है, फोर्थ नंबर सर्कल को टच करवा दिया। फिर कितना जाना है, 9 mm छोड़ के, ये 9, कितनी चौड़ाई है इसकी 9। फिर कितना जाना है, 3 mm, उसको एक्सटेंड कर देना इस सर्कल को, ये जो आउटर सर्कल जो हमने अभी लगाया 3 mm छोड़ के 21 का, उसको क्या कर जाएगी ये लाइन, अपने आप ही टच कर जाएगी। इसी तरह सेम केस इधर रिपीट करना है, सेम इधर, सब कुछ डिमेंशन गिवन है, क्लियर है। अब हम बनाएंगे ये नट, नट की डिमेंशन क्या गिवन है हमें, नट की डिमेंशन क्या गिवन है, पहले तो नट कहाँ पे आने हैं, एक गिवन डिस्टेंस है 44, दोनों नट्स का जो सेंटर का डिस्टेंस है वो 44 गिवन है, 22 इधर 22 इधर, ये सेंटर लाइन आ जाएगी, क्लियर है। अब जो बोल्ट है उसका डायमीटर कितना है, 58, मतलब जो अंदर रोड है ये, जैसे इसका डायमीटर गिवन है 58, मतलब डायमीटर 8 है, तो 0.4 इधर, सेंटर लाइन से 0.4 इधर, तो ये मैंने डॉटेड लाइन लगा ली, क्योंकि अंदर है, अंदर दिखाई नहीं देगा, तो जितना पोर्शन अंदर वो डॉटेड रहेगा, क्लियर। अब टोटल बोर्ड की लेंथ कितनी है, 45, जो ये हेड है ये कहाँ पे आना चाहिए, इस पोर्शन के बाहर, जो बाकी जो लेंथ बचेगी वो 45 उधर हो जाएगी, क्लियर। हेड कितने का है, 12 का, तो मैं यहाँ सेंटर से 12 मतलब 6 दूसरी साइड पे, 6 दूसरी साइड पे, क्लियर। हाइट कितनी है, 6, तो ये मैंने सेंटर से ये पॉइंट लगा लिया था 6, ये हेड बन गया ये वाला, क्लियर है। अब लेंथ कितनी है इसी पॉइंट से, 45, जितना अंदर आ गया वो तो डॉटेड है, जो बाकी बचेगा वो डार्क हो जाएगा, इसी तरह 45 इस साइड पे, क्लियर है। यहां पहुंच गए हम ये वाले पॉइंट पे, इसी तरह सेम दूसरी साइड पे रिपीट बाद में करूंगा, पहले मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूं। फिर ऊपर क्या रखनी है, वाशर। अब वाशर की कोई डायमेंशन नहीं गिवन है, वाशर कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे, उसकी कोई डायमेंशन नहीं गिवन हमें, तो जितनी ये हाइट है 6 है, तो इसकी भी मैं 6 ले लेता हूँ, क्लियर है। वाशर थोड़ी सी बड़ी होती है, इसकी चौड़ाई कितनी थी 12, तो मैं इसकी 14 ले रहा हूँ चौड़ाई, मतलब ये चौड़ाई कितनी है 14, मतलब 7 दूसरी साइड से, 7 इस साइड पे, क्लियर है। हाइट ले ली मैंने 6, क्लियर है। ये जो वाशर है ये स्पेशल वाशर है, जिसको कहते हैं कास्टल नट, कास्टल नट की वाशर है ये, वहां लगाते हैं जहां पे टॉर्क बहुत ज्यादा लगती है, इंजन घूमता है ना, कोई भी चीज घूमेगी तो टॉर्क लगेगी, ताकि वो जो शाफ्ट है वो बाहर ना, हाई स्पीड से ये शाफ्ट घूमती है, इसलिए स्पेशल टाइप का नट वाशर लगाएगी, जो नट लगाया गया कास्टल नट, ठीक है। इसी तरह मैं इस साइड पे रिपीट कर रहा हूं, पहले हेड बनाते हैं, हेड की हाइट कितनी थी 6, इस साइड पे 6 दूसरी साइड पे, हाइट कितनी है 6, और लेंथ कितनी है 45,
तो मैं नट बना रहा हूँ। नट जनरली हेक्सागनल शेप का होता है। ये मैं हेक्सागनल नट बना रहा हूँ। क्लियर है? ऊपर कास्टर नट की स्पेशल टाइप की वाशर लगानी है। योगी कास्टर नट जनरली इस टाइप की होती है। कास्टर नट वाशर। क्लियर? ये हो गया। ये जनरली फ्री हैंड बना सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये एंड हो गया। अब हमने इस एंड को जोड़ना है इससे। क्लियर है? अब इसकी चाहिए डिमेंशनिंग। यहाँ पे डिमेंशन क्या है, ये डिमेंशन क्या है, वो मैंने बताया। यहाँ पे गिवन है, कहता सेक्शन ए और बी, उसकी डिटेल गिवन है यहाँ। सेक्शन ए और बी कितनी इसकी चौड़ाई है, कितनी है, ये सारी डिमेंशन को ऐड कर देंगे। इसी तरह यहाँ डिमेंशन की उसने टोटल लेंथ गिवन है, तो काउंट करके मैं देखता हूँ कितना बन रहा है। 1, 4 और 5, 5 और 12 कितना हो गया 17, फिर 5 कितना हो गया हमारा 22। टोटल कितनी लेंथ है इसकी 22। यहाँ पे कितनी वो काउंट कर लेते हैं, 4 और 1 5, 5 और 5 10, और फिर 5 15। यहाँ पे हमारी 22, यहाँ पे हमारी है 15, तो मैं वो लेंथ लगा लेता हूँ। मैंने ये पॉइंट लगा लिया, कितना था यहाँ पे चौड़ाई, कितनी थी 22, यहाँ पे 15। सेंटर लाइन ढूंढनी होगी, वो गिवन हमें, कहता है इस पॉइंट से जो 3 वाला ये पॉइंट लगाया वहां से 14 इस साइड पे, ये सेंटर लाइन आ गई ये वाली। इसी तरह इस साइड से 17 छोड़ के ये वाली लाइन ये आ गई। क्लियर? वहां से ये सेंटर लाइन ऑलरेडी गुजर रही है, 22 है चौड़ाई, 11 इधर, 11 इधर, यहाँ 15 है, 7.5 इधर, 7.5 इधर, ये पॉइंट आ गए। अब क्या करना है, इन पॉइंट्स को जोड़ना है। ये जोड़ना है ना, तो ये जोड़ रहा हूँ मैं, अटैच कर रहा हूँ इसको, इस पॉइंट को इस पॉइंट से। टेढ़ा जुड़ा हुआ तो यहाँ भी टेढ़ा ही जुड़ेगा। क्लियर? ये आउटर लग गया। इनर वाली कितनी है वो यहां से पता चलेगा, कितनी है लास्ट पे 4, 12 अंदर है, ये वाला गैप कितना है 12, उसके बाद ये जो बचा ये कितना है 4, मतलब सेंटर से 0.4। जिस एंगल पे ये लाइन लगी हुई है उसी एंगल पे ड्राफ्टर को सेट कर लेना, फिर 0.4 ये रहा। इसी तरह 0.4 इसी के पैरलर इसको फिक्स कर देना। इसी तरह इसी के पैरलर यहाँ। क्लियर है? अब रह गया इसको जोड़ना है। उसका डायमेंशन गिवन है, गोल कितना करना है R8। 8 की कंपास खोल लो, फ्री हैंड भी कर सकते हैं या सर्कल मास्टर से भी कर सकते हैं। कोई पॉइंट ढूंढो जहां पे ये दोनों मैच करे। कोई पॉइंट ऐसा ढूंढना जहां पे ये दोनों मैच करे। अब दोनों मैच कर रहे हैं। क्लियर है? इसी तरह इस साइड पे कोई ऐसा पॉइंट ढूंढो जहां पे ये दोनों, ये वाला कॉर्नर और ये वाला मैच करना चाहिए। क्लियर है? अब इसी के पैरलर दूसरा फ्री हैंड लगा लेना, दूसरे वाला इसी के ही पैरलर। क्लियर है? अब इस तरह इधर भी राउंड करना है, वो हमें गिवन R5 और 3। कितना है R5 और 3? इनर वाला तो गिवन है। अब आउटर वाला 3 सर्कल है, दो तो बनाए, तीसरे वाला बना के फिर हम उसको अटैच करेंगे आउटर वाले को।
क्लियर, ये गलत तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इनर वाले को फिक्स करना इसके साथ। अब रह गया हमारा तीसरा सर्कल, तीन सर्कल है ना। जैसे यहाँ पे इसका डिस्टेंस काट के उसने शो बताया, अभी इसी तरह ये सेक्शन जा रहा है, कहता सेक्शन ई और एफ ये गिवन, कहता सेक्शन ई और एफ की डिटेल यहाँ गिवन है। दो सर्कल तो लगा लिए, सबसे बाहर वाला सर्कल कितना है, अंदर वाला है 12, सेकंड वाला सर्कल कितने का है 12, कहता उसमें सॉरी 24 का है डायमीटर, हाफ कितना हो गया 12, उसमें 22 और ऐड कर दो मतलब 14, रेडियस कितना हो गया आउटर सर्कल का 14, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 28। तो मैं क्या करूँगा, अब कंपास को लूँगा कितनी 14 की, तीसरे वाला सर्कल लगाना है 14। क्लियर है, अब इसको जोड़ देना जे वाले एंड को इससे, जे वाले एंड को इससे। क्लियर है, अब रह गया गया स्क्रू, स्क्रू कौन सा ये वाला, इसकी डिमेंशन कितने एंगल पे है 15 डिग्री, ये जो कट लगाना है कितने एंगल पे लगाना है 15 डिग्री का, और उसकी डिटेल ये डिटेल डायग्राम में गिवन है, तो मैं ये हम ये लगाएंगे। सेट स्क्रू बनाया हुआ, सेट स्क्रू कहाँ पे है 15 डिग्री एंगल पे, हमने ये एक्सिस ली, ये ड्राफ्टर सीधा 0 डिग्री पे है, तो उसको 15 डिग्री रोटेट करने के बाद हमारे पास ये एक्सिस आ गई। क्लियर है, एक्सिस बनाने के बाद उसके बाद हमने क्या बनाना है, यही प्रोसीजर जैसे यहाँ लगाया था 2 3 4, ये सेंटर वाला कितना है 2, मतलब 1 इधर 1 इधर ये लाइन लगा ली। क्लियर, कहाँ तक लगानी है आउटर सर्कल तक, फिर उसके बाद 6 फिर 2 इधर नीचे कितना है 8। क्लियर है, अब एक्सिस ये जो स्क्रू है इसकी एक्सिस ढूंढनी है कहाँ पे लगाना है, ये वो हमें गिवन है, ये मैंने कटिंग यहाँ पे दिखाई हुई है, उसने कहाँ पे सेट स्क्रू की, ये गोल है ना, ये गोल इसका होल ही है जहाँ पे स्क्रू डालना है, कितने का स्क्रू 5 6 का, ये 6 का होल है यहाँ पे। क्लियर है, कहाँ टोटल कितना है 12, हाफ कितना 24 है टोटल, हाफ कितना हो जाएगा 12 पे ये एक्सिस आ जाएगी, मतलब यहाँ से 12 पे ये एक्सिस आ गई स्क्रू की। अब स्क्रू टोटल कितना है 6 का, 3 इधर 3 इधर। क्लियर है, हाइट कितनी है वो हमें गिवन है 21 टोटल, टॉप पे ये क्रॉस लगा दिया ये लग गया, उसकी लेंथ कितनी है 16 बाकी वो बाहर आ जाएगी। क्लियर है, अप्रोक्सीमेटली इसको एज ए फ्री हैंड ही डिमेंशनिंग लेकर चलना है, तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारा फ्रंट व्यू टोटली कवर हो गया, अब बनाना है टॉप व्यू। अब टॉप व्यू क्या है, सेक्शन, सेक्शन मतलब कहता अगर हाफ काट दूं यहाँ से, यहाँ से इतना पोर्शन उड़ा दूं ऊपर वाला ये वाला, फिर मेरे को टॉप से कैसे दिखेगा, तो क्या होगा ये भी उड़ जाएगा ये भी उड़ जाएगा, ये जहाँ पे जो चीज है वही दिखाई देगी। क्लियर, इसी तरह ये यहाँ से इस तरह दिख रहा है। क्लियर है, तो इसको बनाएंगे सबसे पहले वही सेंटर लाइन लेंगे ऊपर से जो आ रही है प्रोजेक्शन लाइन, वही सेंटर लाइन लेंगे जो ऊपर से आ रही है, ये मैंने लगा लिया टॉप व्यू का सेंटर लाइन, ऊपर से प्रोजेक्शन आ रही है ये वाली सेंटर लाइन ये आ रही है, मैंने लगा ली टोटल। क्लियर है, अब सबसे पहले बना रहे हम ये वाला एंड। क्लियर है, सबसे पहले ये बनाएंगे कितना है इसका 18 डायमीटर, 18 मतलब 9 इस साइड पे 9 दूसरी साइड पे। क्लियर है, हाइट कितनी है 18 वो भी, मतलब क्या हो जाएगा 9 इस साइड पे 9 इस साइड पे। थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, कन्फ्यूजन हो गई, ऊपर से भी 18 यहां से भी 18, पहले यहां से 18 मतलब 9 नीचे लगा लेते हैं हम, 9 ऊपर लगा लेते हैं। क्लियर है, इस साइड से भी कितना है 9 मतलब 18। क्लियर है,
तो ये 9 की हो गई ये वाली लाइन। टोटल कितनी यहाँ चौड़ाई जो 12 तक जा रही है, 24 मतलब 12 और लेके जानी, 12 इस साइड पे, क्लियर है। तो ये बन गया। फिर उसके बाद क्या करना है, ये हमारा हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम ये वाला पोर्शन बनाते हैं। ये वाला बॉक्स बनाते हैं। ये वाली लाइन कौन से आ रही है हमारी, जज कर सकते हो कहाँ से आ रही है। ये वाली 3 वाले नीचे की, मतलब टॉप से देखूंगा तो यहां से, क्लियर है। इसी तरह यहां से आएगी। तो इस बॉक्स को बंद कर देना। चौड़ाई ये पता चल गई। अब रहेगी चौड़ाई कितनी की है, ये गिवन है 28 प्लस 3 और 3, 28 और 6 कितना हो गया 34। तो ये हम बनाते हैं अभी। तो ये मैंने बॉक्स बना लिया। ये कितना था जो यहाँ से ऊपर वाली लाइन आ रही है, ये वाली उसी के पहले। चौड़ाई कितनी है वो हमें गिवन थी 34, 34 ये चौड़ाई गिवन थी, वो ले लिया, बॉक्स बन गया, क्लियर है। फिर उसके बाद यहाँ तक एक्सटेंड किया, वो कहाँ तक करना है वहाँ चेक कर लेना, यहाँ से स्केल से आप मैच करा सकते हो। ये मैंने स्केल से मैच करवाया कहाँ तक आ रहा है, ये स्क्रू वाले जो नट है ना ऊपर, वहाँ से मैच करवा के मैंने ये ले लिया, क्लियर है। अब क्या बनाना है हमने, बाकी जो पोर्शन है ये वाला और ये वाला, इसकी चौड़ाई कितनी है जितनी ये गिवन हमें 28, क्लियर है। किसके बराबर बनाना है, ये 3 वाला, ये 3 वाला आ रहा है, चौड़ाई कितनी है 28, मतलब कितना हो गया 14, 14 क्लियर है। बनाना कहाँ तक है, यहाँ यहाँ से स्टार्ट करना है, क्लियर है। ये लाइन बन गई हमारी। अब उसके बाद क्या करना है, हमने इन दोनों को पोर्शन को जोड़ना है। अब ये चौड़ाई कितनी है, जितनी चौड़ाई यहाँ थी उतनी का क्या रहेगी, ऊपर भी दिखाई देगी, यही है ना। इसी चीज़ को यहाँ से काटा है, मतलब कहाँ से काटा है, सेंटर से काटा है। सेंटर पे कितनी चौड़ाई है, यहाँ से काटा है ना हमने, इतना पोर्शन उड़ा दिया। फिर मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, वो यहाँ से गिवन है हमें, कहाँ पे गिवन है, क्लियर है। ये कटिंग यहाँ की है ना, तो ये हमें गिवन है, कितनी है 12, सेंटर पे कितनी है 12, क्लियर है। तो 6 इस साइड पे, 6 इस साइड पे, क्लियर है। तो मैं इसको गोल कर रहा हूं, इसी तरह यहां पे भी 6। फिर क्या करना है, इनको जोड़ना है। क्लियर है। फिर क्या करना है, इसको कर्व, कर्व किससे करना है, कंपास से। हमें रेडियस गिवन है 8 और 5, वो मैंने पहले भी बताया था कैसे जोड़ना है इसको। क्लियर, ये हो गया। उसके बाद
इसको तो फ्री एंड ही जोड़ देते हैं इस एंड से, ये वाला। अब रह गई अंदर वाली लाइन, अंदर वाली लाइन कितने की है वो लेनी हमने, 6। बिगर एंड में अंदर वाला कितने का, 12। यहाँ पे कितने का, 6। तो अंदर वाला जो हो जाएगा 6, मतलब 3 दूसरी साइड पे, 3 इस साइड पे। क्लियर। बाकी पोर्शन को वैसे ही कर्व कर देना हमने। फ्री हैंड ही कर्व कर सकते हैं आप, इसी तरह इसको भी कर्व कर देना, ये सारा फ्री हैंड है। क्लियर है, ये हो गया। उसके बाद ये वाला इसी तरह, ये ऊपर से जो 3 आ रही है ये वाली, चौड़ाई कितनी है उतनी है जितनी 28 हमें गिवन है। ये वाली भी 28 थी, वो भी 28 ही है। क्लियर है। अब हम बनाएंगे ये वाला पोर्शन, तो ये बना दिया मैंने। ये वाली लाइन थी हमारी, इस पोर्शन से आई थी, यहाँ से चौड़ाई थी हमारी 28। क्लियर है। फिर इसी से प्रोजेक्शन ले लेनी है, कहाँ तक लेके जाना है इसको। ये जो है नट है, ये जो ऊपर नट बनाया, हेक्सागोनल नट किस शेप का होता है जल्दी, इस तरह का। एक साइड से अगर 3 व्यू दिख रहे हैं तो दूसरी साइड से 2 दिखेंगे, तो ये बना ली। क्लियर, ये फ्री हैंड है सब कुछ। फिर उसके बाद ये वाशर, फिर उसके बाद ये स्क्रू। क्लियर है, ये हो गया। फिर अंदर आएगी शिम, ये शिम कौन सी है, ये कहाँ लगाते हैं, जब दो एंड जोड़ते हैं तो दोनों क्या होगा, आपस में स्ट्राइक कर सकते हैं। क्लियर है, दोनों आपस में स्ट्राइक करेंगे तो फ्रिक्शन होगा, उस फ्रिक्शन को रोकने के लिए अंदर क्या डाली गई है, शिम। शिम की शेप ये है, क्लियर है। तो शिम फ्रंट व्यू में तो नहीं दिखाई देगी, सिर्फ टॉप व्यू में दिखाई देगी। क्लियर है, कितनी चौड़ाई है, 2। ये यहाँ पे इसकी फ्रंट व्यू और टॉप व्यू गिवन है, 2। क्लियर, लेंथ कितनी है, 28। 0.1 इस साइड पे छोड़ देना, 0.1 इस साइड, चौड़ाई 28, ये भी 28 था, तो मैंने यहाँ पे इसकी प्रोजेक्शन ले ली, तो इसी में लगा लेनी। क्लियर है, बाकी क्या रह गया, अब सेक्शनिंग। सेक्शनिंग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ये वाले पोर्शन। सेक्शनिंग किस एंगल पे करते हैं, 45। तो इसको टर्न कर लिया मैंने 45 पे, तो सेक्शनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ ये वाले पोर्शन की। यहाँ पे हुई है ना, तो ये सेक्शनिंग कर रहा हूँ। तो ये सेक्शनिंग हो गई इस पोर्शन पे, सॉरी यहाँ पे अभी बनाना है, ये गलती से हो गया। सेक्शनिंग हमने करनी थी यहाँ पे, सेक्शनिंग किस एंगल पे करते हैं, 45 पे। जैसे जैसे सेक्शनिंग गिवन थी हमने कर ली। क्लियर, इस पोर्शन पे। फिर यहाँ यहाँ पे जो सेक्शनिंग वो डबल है, एक 45 ऐसे बनानी है, एक 45 एक ऐसे 45 है, एक ओपोजिट, एक ऐसे लगाएंगे एक ऐसे, मतलब एक ओपोजिट क्रॉस करवाना है। क्लियर है, तो ये हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई। क्लियर, अब करनी है इसकी डिमेंशनिंग। डिमेंशनिंग करेंगे हम ड्राफ्टर को अगेन सेट करके, ये हमें डिस्टेंस कितना गिवन था, एक्सिस टू एक्सिस डिस्टेंस हमें गिवन था कितना, 100 सॉरी 100 नहीं 147।
वो हमने कैलकुलेट किया था। क्लियर है, ये हो गया। फिर इसकी डिमेंशनिंग हमें गिवन है कितनी, 24। ट्वेंटी फोर, इसकी चौड़ाई कितनी, 18 हमें गिवन है। क्लियर है, अब बाकी भी कर लेना है। ये डिमेंशनिंग कितनी गिवन है हमें, 28। क्लियर है, इसी तरह फ्रंट व्यू में भी डिमेंशनिंग कर लेनी है। फ्रंट व्यू की डिमेंशनिंग कर लेनी, पहले सर्कल, अंदर वाला सर्कल कितने का है, 30 का। फाइव 30। क्लियर है, ये हो गया। फिर बाकी वाले सर्कल भी लगा लेने हैं। बाकी वाले सर्कल कितने के हैं, डॉटेड सर्कल, कितने का, 34 का। फाइव 34। क्लियर है, अब बाकी डिमेंशनिंग कर लेनी है ये वाली, ये हमें गिवन है। कितनी गिवन है, 3। स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है, 3। ये वाली कितनी है, 9। फिर कितनी गिवन है, 3। फिर 2, फिर 3, फिर 9, फिर 3। क्लियर है, तो ये डिमेंशनिंग इसकी हो गई। फिर उसके बाद एरो बाहर, अंदर जगह नहीं है तो एरो बाहर लगा लेते हैं। क्लियर, ये लाइन को कट कर दिया, क्लियर है। फिर ये स्क्रू क्या डायमेंशन गिवन है, 5-6 सेट स्क्रू, 5-6 सेट स्क्रू। इसी तरह बाकी डिमेंशनिंग भी आपने कर लेनी है। इसका नाम लिख देना क्या है, एलिवेशन या फ्रंट व्यू, बट यहाँ एलिवेशन गिवन तो मैं एलिवेशन ही लिख रहा हूँ। नीचे वाले का क्या नाम है, टो व्यू, कौन सा, सेक्शनल। टो व्यू को दूसरा नाम क्या है, प्लान। सेक्शनल टो व्यू लिख दो या सेक्शनल प्लान लिख दो, मैं अगर प्लान लिखा तो प्लान ही लिखेंगे। क्लियर है, ये हो गया। फिर हमने ये बनाना टेबल, जब भी असेंबली आ जाए तीन चीजें तो बनेंगी, ड्राइंग तो बननी बननी, एक टेबल भी बनेगा। क्लियर है, तो ये टेबल बनाएंगे। टेबल बन गया, अब इसको नाम लिखना, कनेक्टिंग रोड कौन सी है, ये वाली। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था इसकी नंबरिंग कैसे करनी है, 60 डिग्री पे अप्रोक्सीमेट लाइन लगा के नंबर 1 नंबर वो पढ़ लेगा, 2 नंबर ब्रास, ये जो अंदर है ब्रास डाला हुआ, ब्रास मतलब उसको कहते हैं अपना, ब्रास किस लिए डालते हैं, जो अंदर शाफ्ट, अंदर शाफ्ट डाली है ना उसकी जो एक्सिस है वो प्रॉपर स्ट्रेट रहनी चाहिए, अगर वो एक्सिस बेंड हो गई तो वो क्या होगा, शाफ्ट टूट जाएगी और उसमें बेंडिंग आ जाएगी। तो हम क्या डालते हैं अंदर, बुश, बुश किसका बना होता है, ब्रास, ब्रास कह दो या बुश कह दो। तो ये हमारा हो गया 2 नंबर। थर्ड नंबर होगी शिम, ये री शिम। फिर हो गया सेट स्क्रू, ये रहा सेट स्क्रू 4 नंबर। 5 नंबर पे आ गया बोल्ट, ये हमारा बोल्ट है। क्लियर है, तो ये हमारी कनेक्टिंग रोड बन गई डायग्राम। क्लियर है, इसको बनाना है स्केल 1:1 में। जो इसकी जो पिक्चर है कैसे बनाना है वो डिटेल में मैं डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं।